हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल NVS एकेडमी पर। देखिए, मैं बात कर रहा था वैदिक गणित के बारे में। वैदिक गणित के बारे में देखिए, अपने एक टॉपिक स्टार्ट किया था गुणा, ठीक है। तो गुणा के अंदर मैंने कहा था कि 10 के आसपास की संख्याओं के बारे में मैंने बात की थी। देखिए, उसमें कुछ एक दो उदाहरण मैंने आपको दिया था। आज मैं उसके बारे में पूरा कंसेप्ट सिखाऊंगा आप लोगों को, और इसके कैसे कैसे यूज करने हैं। कभी संख्याएं छोटी भी होंगी, कभी बड़े भी होंगी, कभी कहने का मतलब एक छोटी एक बड़ी भी हो सकती है। जिस संख्या को अपन बेस मानते हैं, यानी कि आधार जिसे मानते हैं, उससे छोटी बड़ी संख्याएं हो सकती हैं। तो उसे किस प्रकार से अपन डील करेंगे। कल परसों जब मैंने एग्जाम्पल लिए तो बड़ी संख्याओं के बारे में ही लिए थे, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो उपजा होगा कि सर, आप बड़ी की संख्याओं के बारे में बता रहे हैं, कभी छोटी संख्याएं भी तो होती हैं। जब छोटी संख्या होंगी तो उसे किस प्रकार से डील करेंगे। देखिए, ध्यान रखिएगा, अब मैंने आप लोगों को कहने का मतलब बड़ी छोटी और दोनों साथ में हो और अलग अलग हो, तब कैसे कैसे डील करना है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा आज, ठीक है। तो 10 से आगे की तरफ चले तो 11, 12, जो भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 14, 15, जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 11, 12, 14, 15 कुछ भी लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। इससे छोटे वाली संख्या जो होंगी वो इस प्रकार है, 9, 8, 7, ठीक है। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को काम में लेना है, ठीक है। इस संख्याओं को जैसे ही काम में लिया तो उसके बाद में देखिए क्या हुआ। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली 13 और दूसरी ले ली 17, ठीक है। एक संख्या देखिए, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब ये रूल क्या कहलाता है। 13 × 17, भाई मैंने सीधा सीधा कहा कि यहाँ से तो 10 संख्या में से 10 को घटाएंगे। तो संख्या में से 10 को घटाने का मतलब क्या होता है, 13 में से 10 को घटाया तो शेषफल कितना बचा भाई, प्लस का 3, ठीक है। यहाँ से 17 यानी संख्या में से 10 को घटाया तो प्लस का कितना बचा, 7। अब मैं देखिए इसको ऐसे ना लिखते हुए सीधा सीधा लिख देता हूँ, यहाँ तो 3 बचेगा और यहाँ 7 बचेगा, ठीक है। अब आगे की कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं कि दो कॉलम लेने हैं, दो कॉलम लेने हैं, और वो इस प्रकार लेने हैं कि देखिए, यहाँ तो पहला शेषफल गुणा दूसरा शेषफल, साइन साथ में होने चाहिए। कहने का मतलब जो प्लस माइनस के चिन्ह हैं वो साथ होने चाहिए दोनों के गुणनफल में, ठीक है। इस तरफ क्या करेंगे कि 10 और 10 में क्या जोड़ेंगे, पहला शेषफल और दूसरा शेषफल दोनों जोड़ देंगे। ध्यान रखना, ये भी चिन्ह के साथ में होने चाहिए, ये भी चिन्ह के साथ में होने चाहिए। अब एक चीज मैं आपको और इंडिकेट कर देता हूं, जिससे कि मैं आगे की संख्याओं के बारे में बात करूं तो आपको आसानी हो, ठीक है। तो 10 प्लस, ठीक है, पहली और दूसरा शेषफल, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा थोड़ा सा शेषफल, और यहां भी क्या है जो है वो शेषफल का गुणा है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, जो भी बच्चा कैलकुलेशन के पार्ट कर रहा है, यानी कि जो ये क्लास देख रहा है, तो इस चीज को अवश्य नोट कर ले वीडियो को पुश करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आगे ये चीज तो हो गई मैंडेटरी। इसके बाद में देखिए एक चीज और है छोटी सी, वो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने ये मंझला कोष्ठक क्यों लगाया है। इस वजह से लगाया है भाई कि जो अगर संख्या 10 के आसपास हो तो 0 के अलावा बचने वाले अंक के बारे में बात करूंगा, यानी कि चाहे तो 10 के आसपास हो, चाहे तो 20 के, चाहे तो 30 के, चाहे तो 100 के, चाहे तो 1000 के, यानी कि जो 0 हैं उनके अलावा जो अंक बच रहा है उसके बारे में बात करूंगा। तो 10 में अगर मैं 0 के अलावा अंक की बात करूं तो वो कितना है, 1, ठीक है। इस अंक को गुणा करना है बाहर की तरफ, इस कोष्टक से, पूरे कोष्टक से गुणा होगा, क्या, 1। अगर यहां 20 होता तो क्या गुणा होता, 2, 30 होता तो 3, ऐसे ही 70 होता तो 7 से गुणा करते। इस प्रकार से ये फॉर्मेट है अपना, इसी के बेस पे अपन आगे करेंगे, सारा जो कुछ करना है इसी के बेस पे होगा, ठीक है। तो देखिए तीन चीजें ध्यान में रखनी है, मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या भाई जो चीजों की जरूरत है, वो देखिए इस प्रकार है। पहला जो पहला पहला टॉपिक है वो इस प्रकार है कि पहली जो बात होगी वो ये ध्यान रखनी है कि संख्या जो है
उस समय से 10 को घटाया जाएगा, तो क्या बचेगा भाई? शेषफल। दोनों संख्याओं का अलग अलग शेषफल बचेगा। दूसरा क्या होगा कि मुझे पता होना चाहिए कि शेषफल जो है उसका गुणनफल कितना प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तीसरी जो कंडीशन है वो इस प्रकार है भाई, शेषफल का योग करना है। योग करना है किसका, किसके साथ करना है, जिस संख्या को घटा रहे हैं। तो संख्या में से यहां किसको घटाया, 10 को। अगर 20 को घटाता तो कितने में जुड़ता, 20 में, यानी कि जिसके आसपास की संख्याओं के बारे में बात कर रहा है उसमें जुड़ जाएगा कौन, शेषफल, ठीक है। वो देखिए अपन प्रैक्टिकली सीखेंगे। जैसे अपन ने ये संख्या लिख ली 13 × 17, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा भाई, तीन चीज़ें तैयार करनी है, तीन चीज़ें तैयार करनी है। तो देखिए किस प्रकार से इसको अप्लाई करते हैं। पहला और दूसरा शेषफल का गुणनफल, तो पहले और दूसरे शेषफल का गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 7 का मतलब कितना होता है भाई, 21 हो गया। इस तरफ के कॉलम का काम हो गया है। अब क्या करते हैं, 10 में जोड़ते हैं। 10 में क्या जोड़ेंगे, पहले और दूसरे शेषफल का कुल मिला के योग। तो देखिए विद इन साइन लेना है, यानी कि चिन्ह साथ में होने चाहिए। ये बात बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे गलती कर देते हैं इसमें। तो 3 + 7 कितना हो जाएगा भाई, 10, ठीक है। अब 10 ये तो शेषफलों का योग है, और किस में जोड़ना है, 10 में, ठीक है। तो 10 को 10 में जोड़ेंगे और गुणा करेंगे किससे भाई, 1 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20, और इधर कितना है, 21। अब एक बात मैंने कल परसों भी बताई थी कि इकाई का अंक रखते हैं जब भी, यानी कि कहने का मतलब 10 के आसपास, 20 के आसपास, कहने का मतलब दो अंकों की संख्या, यानी कि 90 तक के आसपास की बात करेंगे तो इधर सिर्फ एक अंक रखना है, बाकी संख्याओं को उधर ट्रांसफर कर देना है। तो यहाँ एक अंक रखूंगा, वो इकाई का अंक रखूंगा, बाकी क्या है, 2 को मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो 2 को जैसे ही ट्रांसफर किया तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, जुड़ जाएगा। तो 20 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22, और एक अंक है ऑलरेडी। बस ये कहने का मतलब जैसे ही अपनी शर्तें पूरी कर देता है वही उसका आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर कितना होगा भाई, देखिए यहाँ एक अंक है, एक ही चाहिए था, बाकी इधर अंक ट्रांसफर कर दिए और जोड़ दिया, तो इसका आंसर जो बना है वो कितना हो जाएगा, 221, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। अब ये भी बड़ी संख्या का एग्जाम्पल हुआ, मैंने कहा छोटी भी संख्याएं हो सकती हैं, तो छोटी संख्याएं होंगी तो देखिए किस प्रकार से डील मिले काम में लेंगे। यानी कि छोटी संख्या मैंने लिख दी, मान लीजिए 9 × 8। अब मुझे भी पता है कि आपको 9 का पहाड़ा भी आता है और 8 का पहाड़ा भी आता है, 9 8 आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं, बेहतर। लेकिन मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, कहने का मतलब ये संख्या एग्जाम्पल के तौर पे लेके इस प्रकार से कि आपका जो डर है वो खत्म हो जाए। ये कैलकुलेशन कुछ नहीं है, दिमाग में माइंड में आप कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है 9 × 8 आप कर लोगे और वो 9 × 8 ही मुझे चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप उसे करोगे सारा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा भाई, ध्यान रखना मैं बार बार लिख रहा हूँ कि संख्या में से 10 को घटाएंगे, संख्या में से 10 को घटाएंगे और जो शेषफल प्राप्त होगा उसे इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। अब लिखने के तरीके हजार होंगे, आप किस तरह से काम में लेना चाहेंगे वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखिए इसी चीज को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ 9 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और 8 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का 1। वरना तो मैं ऐसे भी करूँ, 9 − 10 = −1 शेषफल, 8 − 10 = − 2 शेषफल, ठीक है। वही बातें हैं, सेम कॉलम, यहाँ भी 2 बनेंगे, यहाँ भी 2 बनेंगे, इधर भी शेषफल का गुणनफल, इधर भी शेषफल का गुणनफल, तो −2 और −1। अब मैं बता रहा हूँ −1 और −2। अब देखिए पिछले वाली संख्या प्लस की थी, तो ध्यान रखिएगा, मैं एक कोने में लिख देता हूँ, इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब प्लस और प्लस गुणा होते हैं तो क्या बनाते हैं, प्लस। माइनस गुणा माइनस होता है तो क्या बनता है, प्लस। 1 − 1 + जब गुणा होते हैं तो माइनस बनते हैं, और 1 + और 1 - गुणा होते हैं तो माइनस बनते हैं। तो इसका क्या हुआ कि जब जब अंक सॉरी चिन्ह जब समान होंगे और आपस में गुणा होंगे तो वो किस में बदलेंगे, प्लस में,
और अगर चिन्ह विपरीत होंगे और आपस में गुणा होंगे तो वो किस में बदलेंगे, माइनस में। ठीक है, इसके बाद में बात करता हूँ भाई, आगे चलते हैं। देखिए इस चीज़ में शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ख़त्म कर देता हूँ। अगर किसी बच्चे को लिखना है तो पुश करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, यानी कि प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस प्राप्त होगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस प्राप्त होगा, और माइनस को अगर माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस प्राप्त होगा, और माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तब क्या प्राप्त होगा भाई, माइनस का। यानी कि समान चिन्ह प्लस का निर्माण करते हैं और विपरीत चिन्ह जब गुणा होते हैं तो माइनस का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ भी शेषफल का गुणनफल और यहाँ भी, तो विद इन साइन -2 और -1 को गुणा करेंगे, यानी कि 2 और 1 को गुणा किया तो 2 और माइनस माइनस गुणा होकर क्या बन गया है भाई, 2 प्लस। ठीक है, -1 और -2 का गुणनफल कितना बनता है, 2। मैंने कहा लिखने के 1000 तरीके हैं, आपकी मर्जी है, जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, संख्या, दूसरा शेषफल, शेषफल कैसे निकालते हैं वो मैंने देख ही लिया है, ये 9, ये -1, ये 8, ये -2। ठीक है, तब भी यही 2 कॉलम बनने हैं, यहाँ गुणनफल 2। अब देखिए होता क्या है, मैंने इस चीज को 3 तरीके से कह दिया है कि जैसे आप समझना चाहो उचित वैसे ही काम में लेना। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में, यानी कि इन दोनों कंडीशन में, इसमें और इसमें, इस कंडीशन में क्या होगा भाई, पहली संख्या को दूसरे के शेषफल के साथ जोड़ना है। ध्यान रखिएगा, पहली संख्या को दूसरे के शेषफल के साथ जोड़ना है, इस कंडीशन के अंदर भी पहली संख्या को दूसरे के शेषफल के साथ में जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 में -2 जोड़ेंगे, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, मैं छोटी छोटी बातें बताता जा रहा हूँ, 9 में जोड़ेंगे -2, विद इन साइन ही सारा काम करना है, चिन्ह साथ में होने चाहिए, बार बार आपको बता रहा हूँ, चिन्ह साथ में होंगे तभी ये काम हो पाएगा। ठीक है, तो 9 प्लस 2 माइनस 2, जैसे ही इस कोष्टक को खत्म करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस और माइनस गुणा हो गया, अभी मैंने बताया था कि विपरीत चिन्ह गुणा हो गया, माइनस का निर्माण करते हैं और 7, यानी कि कितना बन गया, 72, मुझे भी पता है 9। ठीक है, 9 में 2 को, या फिर मैं कह दूं कि इसको दूसरी संख्या को पहले शेषफल में जोड़ दिया जाता है, तो दूसरी संख्या 8 है उसमें 1 जोड़ेंगे, वही सेम प्रोसेस, यानी कहने का मतलब यहाँ देखिए क्या हो सकता है, 8 प्लस माइनस का 1। ठीक है, तो इन दोनों, यानी कि 8 प्लस माइनस का 1, ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई, 7। ठीक है, क्यों, प्लस और माइनस माइनस बन जाएंगे और ये 7 बन जाएगा, आंसर कितना आया, 72। कोई भी बच्चा हो, यहाँ तक किसी को शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे बात करता हूँ, इसके अंदर भी वही प्रोसेस है, मेरी लैंग्वेज जो थी वो इस प्रकार थी कि जो शेषफल है उसका योग, तो -2 और -1 का योग कितना होता है, -3। ठीक है, तो -3 जब ये बनी संख्या तो उसे 10 में जोड़ देते हैं, तो देखिए क्या होगा, 10 प्लस माइनस का 3, और ये पूरी संख्या गुणा किससे हो रही है भाई, 1 से। ठीक है, जैसे ही 1 से गुणा होगी तो 3 प्लस माइनस 3, यानी कि ये संख्या माइनस की बन जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 1 को किसी संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या बनेगी, 7। क्यों भाई, प्लस और माइनस का चिन्ह गुणा होके किस में बदले, माइनस का, 10 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 2 है, अब ध्यान रखना हमेशा राइट के कॉलम में 1 अंक रखना है, जब भी 10 20 के आसपास की संख्याओं इत्यादि की आसपास की संख्याओं के बारे में बात हो रही हो, तो सीधा सीधा देखिए 1 अंक है और वो भी प्लस का है, तो इसका आंसर कितना बना, 72, यहाँ से भी 72, यहाँ से भी 72। तो देखिए दो तीन तरीके से अपने ने इसको देखा, चीजें वही थी, उसको लिखने का तरीका अलग था, कहीं कैलकुलेशन फालतू में बड़ी कर रहे थे और कहीं छोटी कर रहे थे। तो देखिए इस चीज को मुझे किस प्रकार से आसानी होती है, वो उसी प्रकार से डील करनी है हर स्टूडेंट को,
तो देखिए, पहले तो मुझे लिखना पड़ा कि संख्या में से 10 को घटाऊंगा, शेषफल प्राप्त होगा। अब मैं सीधा सीधा सोच पा रहा हूँ कि अगर मैं 9 में से 10 को घटा दूँ तो माइनस का 1 बचेगा, 8 में से 10 को घटा दूँ तो माइनस का 2 बचेगा, यानी कि शेषफल जो बचने वाला है वो प्लस में ना बच के किस में बचने वाला है, माइनस में। अब देखिए, एक बार तो मैंने बड़ी संख्या ली, एक बार छोटी संख्या ली। अब मैं बात करता हूँ अगर एक बड़ी और एक छोटी हो तो किस प्रकार से डील करेंगे, ठीक है। 10 के आसपास की संख्या हो, यानी कि आपका बेस बिल्कुल से मजबूत कर लीजिए, कैलकुलेशन को इतनी आसान बना लीजिए कि कहने का मतलब अपने खून में समा जाए। किसी भी संख्या के बारे में बात करें तो एक छोटा सा फॉर्मेट अपन ने तैयार किया है, उस हिसाब से अपन आसानी से कर लेंगे। देखिए, वो फॉर्मेट का यूज करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक संख्या बड़ी और एक संख्या छोटी मान लीजिए कि 9 × 13 मैंने लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत? एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है, 10 घटाएंगे संख्या में से, तो जब मैं 9 में से 10 को घटाऊंगा तो माइनस का 1 बचेगा और 13 में से 10 को घटाऊंगा तो प्लस का 3। अब क्या हुआ भाई, 1 प्लस का 1 माइनस का, करना क्या है? एक बार तो शेषफल का गुणनफल तो कितना बनेगा, माइनस का 3। क्यों बनेगा भाई? प्लस और माइनस गुणा हो गए तो माइनस, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करता हूं कि 10, 10 में शेषफल का योग, तो 3 तो प्लस का और माइनस का 1 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा भाई, प्लस का 2। इसको गुणा करेंगे 1 से, तो 1 से गुणा करने पर कोई फायदा नहीं है क्योंकि वही संख्या रहने वाली है, तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस। अब ध्यान रखिएगा, इधर माइनस का 3 बन गया है, मुझे चाहिए कोई प्लस का 1 अंक, कैसे प्राप्त कर सकता हूं? देखिए, अगर मैं इधर से इधर ट्रांसफर करूं, इधर से इधर ट्रांसफर करूं, वो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब मैं इधर से इधर कोई संख्या लेता हूं, ठीक है, इधर से इधर संख्या लेता हूं तो 1 उधार जाएगा, कितना उधार जाएगा, 1, वो उधर जाके 10 का काम करेगा, ठीक है। किस प्रकार? धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे मेरे समझ में आता चला जाएगा। जैसे ही 1 माइनस किया तो 12 में से 1 माइनस किया 11, और ये 10 का काम करेगा, और उसमें से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, 7 बचेगा, ठीक है। तो 11 और 10 में से 3 को घटाया तो कितना बचा, 7। अब इसकी कंडीशन ये होती है कि इधर एक अंक रहना चाहिए, कितना अंक रहना चाहिए, एक अंक रहना चाहिए है, और बाकी संख्या ऐसे कैसे उतार देंगे, तो आंसर कितना बना, 117। अभी देखिए, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, ये बड़े जाके देखिए कैसे आसान हो जाएंगे। माइनस 1 और +3 को गुणा करेंगे, माइनस की संख्या प्राप्त होगी, उससे उन दोनों शेषफलों को, यानी कि 3 को और -1 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। अब जैसे ही 2 बना, उसे 10 में जोड़ देंगे, ठीक है। अगर इधर माइनस की संख्या बचती है, सुनिएगा छोटी छोटी बातें, अगर इधर माइनस की संख्या बचती है तो लेफ्ट हैंड वाले कॉलम में से एक उधार लेते हैं, वो उधर जाके प्लस के 10 का निर्माण करता है, ठीक है। अब क्यों करता है, कैसे करता है, वो डिटेल से अपन समझेंगे सारी बातें, ठीक है। लेकिन अभी इतना ध्यान रखिएगा कि एक इधर जाएगा तो किसका निर्माण करेगा, 10 का, ठीक है। जैसे जैसे संख्याएं आएंगी, एग्जाम्पल अपन लेते जाएंगे, वैसे वैसे क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शायद अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, एक छोटी एक बड़ी, दोनों बड़ी दोनों छोटी मैंने बात कर ली है, ठीक है, 10 के आसपास की संख्याओं के बारे में। आपका टाइम खराब ना करते हुए देखिए, मैं आपको जल्दी से एक कंसेप्ट और समझा देता हूँ। कंसेप्ट क्या है, सारी यही चीज़ें हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि जो है संख्या वो थोड़ी सी बढ़ गई है। अब देखिए, स्टेप वाइज स्टेप अपन ने एक सीढ़ी सीख ली है कि किस प्रकार से अपने को काम में लेना है। तो एक बार तो संख्याएं छोटी हो सकती हैं, एक बार 20 से बड़ी हो सकती हैं। तो छोटी तो कौन कौन सी हो सकती हैं, 19, 18, 17, ठीक है। बड़ी कौन कौन सी हो सकती हैं, 21, 22, ठीक है। इस प्रकार से ये भी आगे चलती चली जाएंगी, ये भी आगे चलती चली जाएंगी। अब गुणा तो मुझे 20 के आसपास की संख्याओं को करना है, तो ध्यान रखिएगा जिसके भी आसपास के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे संख्या में से, पीछे 10 की बात कर रहे थे तो वहां 10 घटा रहे थे, यहाँ 20 की बात कर रहे हैं तो 20 घटा देंगे, वो तो क्या होगा, शेषफल, समझ गए। इसके बाद में बात करता हूं, संख्या में से क्या किया, 20 को घटाया है, ठीक है, ये शेषफल हुआ। बाकी सारी प्रोसेस हैं,
वो सेम रहेंगी, ठीक है? तो सेम रहेंगी तो किस प्रकार से काम करेंगे भाई, देखना। जैसे मैंने ले लिया तीनों एग्जाम्पल, मैं साथ ही समझा देता हूँ, ठीक है? तो साथ समझाने की कोशिश करूँ तो एक बार के लिए इससे मैं साफ कर देता हूँ सारे को, और 20 से छोटी भी ले लूँगा, बड़ी भी संख्या ले लूँगा, ठीक है? तो जैसे ही बड़ी छोटी संख्या लेंगे, ठीक है, तो बड़ी छोटी संख्याएं कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं। एक बार तो दोनों छोटी ले ली मैंने, 17 गुणा 19, ठीक है? एक बार के लिए दोनों छोटी, दोनों बड़ी, 26 गुणा 24, एक छोटी और एक बड़ी, ठीक है? एक छोटी और एक बड़ी कौन कौन सी संख्या हो सकती है? मान लीजिए मैंने संख्या लिख दी 18 गुणा 25। ध्यान दीजिएगा, हर एक कंसेप्ट अपना है वो क्लियर होता चला जाएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले तो शेषफल वाली फर्स्ट कंडीशन होती है, वो होती है शेषफल। अब यहाँ अगर 10 के आसपास की बात होती तो मैं 10 घटाता संख्या में से, लेकिन यहाँ बात हो रही है किसके आसपास है, 20। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने की बात है वो है संख्या में से किसको घटाएंगे, 20 को, जो शेषफल बचेगा उसकी सेम प्रक्रिया करेंगे जो पहले करते आ रहे थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शेषफल देखिए क्या क्या हो सकता है। यहाँ से तो -3, यहाँ से -1, यहाँ से +6, यहाँ से +4, यहाँ से -2 और यहाँ से +5। अब देखिए कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब देखिए आगे इस प्रकार से काम लेते हैं। शेषफल का गुणनफल एक कॉलम में, तो -3 और -1 का गुणनफल कितना बना भाई, यानी कि कहा था मैंने कि 1 गुणा 2, ये तो शेषफल होता है, 1 प्लस 2 ये भी शेषफल होता है, इसको किस में जोड़ेंगे, यहाँ 20 में, और जो 0 के अलावा अंक है उसको गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए ये प्रोसेस करेंगे, ये तो शेषफल का योग है, इसे छोटे कोष्टक में और बाहर वाले को मंझले कोष्टक में कर लीजिएगा, ठीक है? ये बात ध्यान में दीजिएगा, यहाँ तो शेषफलों का गुणनफल, यहाँ शेषफलों का योग किस में जोड़ेंगे, जिसके आसपास की संख्या के बारे में बात हो रही है, यानी यहाँ 20 के आसपास की संख्या के बारे में बात की है, तो उसमें शेषफल जुड़ जाएगा, 0 के अलावा जो अंक है उसे पूरे से गुणा कर देते हैं। अब आगे देखते हैं, देखिए क्या बनता है। -3 और -1, 3 को 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 3 ही बनने वाली है संख्या, लेकिन माइनस और माइनस गुणा होके क्या बन जाएंगे भाई, जब भी समान चिन्ह होते हैं तो वो प्लस में बदल जाते हैं, यहाँ कितना लिखेंगे 3, ठीक है? 20 प्लस में पहला और दूसरे का योग, तो -3 और -1 -4, ठीक है? तो क्या लिखेंगे, 20 प्लस -4, और ये पूरी संख्या गुणा हो रही है किससे, 2 से, ठीक है? जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो 20 और प्लस और माइनस गुणा होकर क्या बन जाएंगे, माइनस, ठीक है? 20 -4 कितना होता है, 16, 16 गुणा 2 तो इधर से बचा, और ये कितना बचा हुआ है भाई, 3, तो कितना हो जाएगा, 16 2 32 और 3। मैंने कहा था इधर एक अंक होना चाहिए, एक अंक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से तो कितना बनेगा भाई, 3, और यहाँ से कितना, 32, तो आंसर कितना बना, 323। सेम प्रोसेस यहाँ से होगी, यानी कि 2 कॉलम बने, 24, ठीक है? 6 और 4 10 जोड़ेंगे किस में भाई, 20 में, किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो यहाँ से तो कितना बना भाई, 60, और इधर से 24, अंक कितने रखने हैं, 1, बाकी किसको ट्रांसफर करूँ, 2 को, ठीक है? तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा, जो 1 उधर जाके 10 क्यों बन रहा था, क्या मैं इस 24 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 20 प्लस 4 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बेझिझक लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो देखिए इधर से कहने का मतलब 2 गया तो 20 गया, तो कहने का मतलब 1 जाएगा तो कितना जाएगा भाई, 10, ठीक है? वो सीधा का सीधा ये 2 जाके उधर जुड़ जाता है, तो कहने का मतलब इधर से तो जाएगा 20 और उधर जाके जुड़ेगा 2।
अगर इधर से मैं एक उधार लेता हूं तो इधर से तो जाएगा एक और इधर जाके जुड़ जाएगा कितना 10। इस प्रकार से वो 10 मैंने उधार लिया था। तो देखिए ये क्या हुआ भाई, 4। ठीक है, ये दो उधर ट्रांसफर किया तो 60 और 2 62। अब फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं कि इधर एक अंक रहना चाहिए, बाकी संख्या कितनी भी हो लेफ्ट वाले कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा का सीधा उधार देते हैं। तो कितना बनेगा, 624। यही तो आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे इस प्रकार बढ़ते हैं। देखिए माइनस का 2 प्लस का 5 गुणा होगा, देखिए शेषफल का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 10। ठीक है, इधर करेंगे दोनों का योग, 5 प्लस का और माइनस का 2, तो कितना बना भाई, 3 प्लस का किस में जोड़ेंगे, 20 में। ठीक है, गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46। ठीक है, माइनस 10। ठीक है, अब भाई माइनस का 10 है, क्या करूं, एक उधार ले लीजिए सर। एक उधार लिया तो इधर से तो कितना होगा, कम होगा, सिर्फ एक, यही बात होगी। ठीक है, तो एक कम हुआ तो उधर जाके वो किसका बनेगा भाई, प्लस का। प्लस का 10 और माइनस का 10 कितना बनता है भाई, 0। भाई 0 भी एक अंक है कि नहीं है, है तो, है तो देखिए कितना बन गया, 45 और 0। 45 और 0 क्या हुआ, एक अंक चाहिए था, एक अंक बन गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना बना भाई, 450। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। मैं आपका अपना नरेंद्र सिसोटिया आपकी सेवा में सदैव हाजिर रहूँगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ है ये ही कहने का मतलब इस कैलकुलेशन पार्ट की, जो कि अपन दो दो संख्याओं का दो दो अंकों की संख्याओं का आपस में गुणा कर रहे हैं, दो संख्याओं का, उसमें सबसे अहम पार्ट निभाने वाली है। अगर ये कंसेप्ट सभी लोगों का क्लियर हो गया, और तीन बातें कि पहले तो शेषफल कैसे निकालना है, शेषफल का गुणनफल करेंगे और शेषफल का योग करेंगे और उसे किस प्रकार से काम में लेंगे, वो चीज़ें अगर सभी बच्चों को ध्यान में हैं तो आप आसानी से इस चीज़ों को, कहने का मतलब अभी ये चीज़ें बड़ी लग रही हैं, आसानी से कहने का मतलब ये छोटी बन जाएंगी और अपनी कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट कर देंगे। नमस्कार, फिर से कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं आपका अपना नरेंद्र सिसोटिया, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।